दोस्तों, उत्तराखंड उत्तराखंड अपनी खूबसूरती, प्रकृति और शांत वातावरण के कारण हर साल पूरी दुनिया के लाखों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय उत्तराखंड से ही होकर गुजरती है। खूबसूरत और आकर्षक हिल स्टेशनों वाला ये राज्य भारत का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। देवभूमि देवभूमि या देवताओं की भूमि के नाम से लोकप्रिय उत्तराखंड पर्यटकों के लिए स्वर्ग है और यहां की हरियाली, बर्फ से ढकी हुई चोटियां, बर्फीले ग्लेशियर, मनमोहक झीलें आने वाले किसी भी पर्यटक का मन मोहने के लिए काफी हैं। लंबे वक्त से उत्तराखंड विकास से उपेक्षित रहा है, लेकिन अब ये प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। विकास की इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में रेलवे के दो मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और चार धाम रेल परियोजना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 16,216 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 12 स्टेशन, 17 सुरंगों व 35 पुलों के साथ बनने वाली ये रेलवे लाइन वर्ष 2024 तक शुरू हो जाएगी। इस परियोजना के तहत वीरभद्र ऋषिकेश रेल लाइन 2019-20, न्यू ऋषिकेश देवप्रयाग रेल लाइन 2023-24 व देवप्रयाग कर्णप्रयाग रेल लाइन 2024-25 तक आरंभ हो जाएगी। इस परियोजना में रेलवे द्वारा श्रीकोट में एक अस्पताल, एक पुल व स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। वीरभद्र ऋषिकेश रेल लाइन निर्माण कार्य रोड अंडर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज, चंद्रभागा के ऊपरी भाग में पुल निर्माण, गुलर, कोडियाला, धारी देवी, शिवपुरी तक अप्रोच रोड व प्रवेश मार्ग का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुमति दे दी गई है और ये कार्य परियोजना कुल 126 किलोमीटर के क्षेत्र में चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ऋषिकेश में नए रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव किया गया है। भारत सरकार द्वारा विशेष रेल परियोजना के रूप में घोषित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की निगरानी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में रेल परियोजना हेतु आवश्यक समस्त वन भूमि तथा उत्तराखंड सरकार की भूमि हस्तांतरित हो चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर सभी स्टेशन उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों व पर्वतीय शैली के स्थापत्य को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।